नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज बानसुर की वीरों की इस धरा पर हमारे बीच में जन आक्रोश महासभा के इस कार्यक्रम में रामलीला मैदान पर पधारे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, हमारे कद्दा और नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी का मैं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं हमारे बीच में। मुख्य वक्ता के रूप में ही हमारे जयपुर से, राज परिवार से हमारे प्रदेश की महामंत्री और राज्यसभा की सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी पधारे, उनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद राठौड़ साहब, टनल साहब, उनका भी बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मंच पर विराजमान सभी भाई मनीष जी पारिक है, देवी सिंह जी शेखावत साहब, भाई अंकुर दायमा जी, मुकेश जी गोयल साहब, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष कैलाश जी ताकर साहब, सभी मंडल अध्यक्ष हमारे गणेश जी सैनी, हमारे व्यापार मंडल के जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि, और मेरे सामने पूरे जोश से लवरेज भारतीय जनता पार्टी के 36 बिरादरी के कार्यकर्ता जिन्होंने इस महासभा को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी पदाधिकारियों को, सभी मंडल अध्यक्षों को, सभी महामंत्रियों को और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक बार हम सब तो आपके बीच में रहते हैं, आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में ऐसी दो शख्सियत पधारी है जो हमारे को इस सरकार के फेल होने का सिस्टम, इस सरकार ने कितने अत्याचार हो रहे, किस किस पर क्या क्या हो रहा है, उन सब के बारे में हमको बताएंगे। और उसके बाद अध्यक्षीय रूप में हमारे कर्नल साहब का लास्ट में संबोधन होगा। आप सभी को मैं इस मंच पर जो पधारे हुए अतिथि हैं पुनः एक बार इस मंच के माध्यम से आप सभी का तहे दिल से, अंतरात्मा से धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।